Hello friends, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you guys are watching me for the first time, please फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो because I post fun videos almost every week. Today I am back with another haul video जो कि है H&M का haul. अभी पीछे H&M पे सेल लगी हुई थी. I don't know, out of random मुझे नोटिफिकेशन आया कि सेल लगी हुई है. जब भी सेल लगती है मेरे को कुछ कुछ खरीदने का मन करता है. इसमें कुछ सामान मैंने सेल से खरीदा है एंड कुछ मैंने फ्रेश भी ले लिया है. सो यस, जो जो सामान मैंने लिया है आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइस एंड आई होप आपको ये हॉल अच्छा लगेगा. अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. एंड बाय द वे, दिस इज अ ट्राई ऑन हॉल वीडियो एंड सारे प्राइजेस साइजेस एंड कपड़े खुद ट्राई करके मैं आपको दिखाऊंगी एंड आपको भी पता चल जाएगा. आई होप आपको इससे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी. इट विल हेल्प यू ऑन योर नेक्स्ट शॉपिंग ऑन H&M. सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मेरा सो ये दो मेरे पैकेट आए हैं H&M से एंड इसमें सामान बार बार भरपूर आई है. सो दीज आर द टू पैकेजेस दैट आई हैव रिसीव्ड एंड इसको अब खोलते हैं. हम पहले बड़ा वाला खोलते हैं, छोटा वाला आई थिंक पहले बड़ा वाला खोलते हैं. सो यस, लेट्स ओपन दिस वन. विद द फर्स्ट आइटम इसमें बिल भी होगा. लेट मी फाइंड दैट. ये रहा, सो दैट्स द बिल एंड द फर्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल इज दिस ड्रेस. एंड ये देखने में अभी अच्छी सी नहीं लग रही है क्योंकि ये थोड़ी सी मुसी हुई है एंड कुछ समझ सा नहीं आ रही क्या है. बट दिस इज अ रैप अराउंड ड्रेस और इसका मटेरियल इज दिस मसलिन क्लॉथ एंड ये ग्रीन कलर की है, सेज ग्रीन कलर की. दिस इज बाय द वे माय फेवरेट कलर दीज डेज. इट स्पीक समर एंड बहुत ही सुंदर लगता है. एंड दिस फैब्रिक इज माय फेवरेट. मैंने इस फैब्रिक का काफ़ी कुछ सामान मेरे पास है एंड ये समर्स के लिए बहुत अच्छा लगता है. देखने में हो सकता है थोड़ा ऑर्डिनरी लगे बट दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड बहुत ही मुलायम और बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक है. एंड दिस इज़ अ रैप अराउंड ड्रेस जिसको ऐसे रैप करके पहनते हैं एंड आई विल शो यू कि ये कैसा लगता है. सो दिस लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी फेमिनिन, वेरी कंफर्टेबल एंड टू वेयर एंड आई थिंक मेरे बॉडी टाइप पे बहुत सूट कर रहा है. अभी थोड़ा सा मुसा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट इट्स वेरी कंफर्टेबल. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रेस आर दी स्लीव्स. दे आर सो वॉल्यूमिनस एंड इतना अमेजिंग फिट आ रहा है एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इस ड्रेस को पहन करके. एंड आई कांट वेट टू यू नो स्टाइल दिस ड्रेस फॉर लाइक अ संडे ब्रंच सॉर्ट ऑफ सीन्स. सो ये थी फ्रेश में. आई डाउट इस पर कभी सेल लगेगी एंड इसके जो पीसेस थे वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट होते हैं. बस खाली लास्ट स्मॉल साइज में बचा था. बाय द वे दिस इज स्मॉल साइज एंड इसका प्राइस इज 2999. सो दिस इज लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड वाली ड्रेस एंड आई प्रोमिस बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती हैं इन द हॉल. सो दिस ड्रेस वॉज ऑन एन एक्सपेंसिव साइड बिकॉज इसका फैब्रिक आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इसका फैब्रिक कितना अमेजिंग है. सो येस, यू जस्ट हैव टू टच इट इन ऑर्डर टू यू नो फील इट. एंड देखने में ऑर्डिनरी लग रही है, 3000 का वर्थ आई नो नहीं लग रहा बट आई हैड माई आई ऑन दिस ड्रेस लाइक सिंस सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई वॉन्टेड समथिंग जो कि बहुत ही वर्सेटाइल, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल हो इन माई वॉर्डरोब. सो आई गॉट दिस. नेक्स्ट आइटम ऑफ द हॉल इज दिस जंपर. अभी सितंबर चल रहा है एंड मुझे नहीं लगता दिल्ली में दिसंबर से पहले ऐसी घोर सर्दियां आती हैं बट ये मिल रहा था मुझको सेल पे एंड जैसे ही मैंने इसको देखा आई वॉज लाइक आई वॉन्ट दिस. एंड अगर बाई चांस सेल पे ना होता मुझे दिख जाता ऑब्वियसली मैं नहीं लेती. सो दिस इज मी प्रिपेयरिंग फॉर दी हार्श दिल्ली विंटर्स. एंड ये बहुत ही सॉफ्ट मटीरियल है एंड इसको
मतलब इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी बैगी एंड आई रियली लाइक द स्टाइल, सो इसलिए मैंने लिया. एंड इसका प्राइस है 1759 रुपीज़ एंड इट्स ऑल्सो इन दी साइज स्मॉल एंड हाई नेक है. एंड दिस इज टोटली फॉर विंटर्स. इसकी स्लीव्स आर अमेजिंग, ऐसे इसमें एक स्लिट भी है एंड ये बहुत अमेजिंग है, इसलिए मैंने ले लिया कि जैसी सर्दी आएंगी मैं फट से पहन के निकल जाऊंगी. सो हॉल वीडियो बनाना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो जो हॉल के बाद खिलारा मचता है ना, वो संभालना, मतलब लाइक मुझे वो बहुत ही ज़्यादा जहर लगता है. सो इनफ ऑफ ब्लैबरिंग, नेक्स्ट आइटम ऑफ द हॉल इज दिस वाइट टॉप टी शर्ट जो कि ऐसी दिखती है एंड ये साइड में इसके नॉट्स हैं टू टाई, सो दीज आर द नॉट्स टू टाई. एंड ये मुझे थोड़ा सा पतला मटेरियल क्यों लग रहा है ये मैं पहन के पता चलेगा. एंड दिस इज इन द साइज लार्ज बिकॉज अपेरेंटली लार्ज साइज ही बचा था. एंड आई हैव सीन ऐसे जो कपड़े होते हैं ना, आई लाइक क्रॉप टॉप ऐसे स्किम्पी स्किम्पी से, ये मेरे को स्मॉल साइज में, बहुत स्मॉल मीडियम में नहीं आते, लार्ज में थोड़े से कंफर्टेबल रहते हैं, हल्के से लूज होते हैं बट एकदम स्किन टाइट मुझे वैसे भी नहीं पसंद. सो बाय द वे इसका प्राइस वाज 799 एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझको ये पड़ा है 559 का, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड डील. सो यस ये सेल में था एंड 559 का मुझे पड़ा है. ये साइड में इसके नॉट डिटेलिंग है और लार्ज साइज में है, ये बस ये सी थ्रू ना हो लाइक फिर तो बुरा हो जाएगा क्योंकि जनरली ऐसे वाइट टॉप सी थ्रू होते हैं. जो ये मटेरियल है रिब्ड बाय द वे एंड दिस इज अ वेरी नाइस रिब्ड मटेरियल, आई लाइक दिस एज अ नेक्स्ट आइटम ऑफ द हॉल. कुछ ज़्यादा ही मतलब वाइट और सेज ग्रीन टाइप हो गया है ये हॉल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम ऑफ द हॉल. नेक्स्ट आइटम ऑफ द हॉल इज अगेन अ फ्रेश वाला पीस एंड इट्स दीज कार्गो स्टाइल ट्राउजर्स जो कि लिनन फैब्रिक में है. आई मीन आई थिंक दिस इज कॉल्ड लिनन ओनली. इट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट फैब्रिक एंड मुझे इसके साइज में कन्फ्यूजन थी, तो दे वर लाइक टू साइजेस 38 एंड 40 एंड मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सा मंगवाऊँ. सो आई ऑर्डर्ड बोथ एंड 40 मुझे ठीक ठाक फिट आया है. इट ऑल्सो फिटेड मी लाइक अ ग्लव बट 40 साइज का फिट इज समथिंग आई रियली लाइक एंड आई लव दीज पॉकेट्स जो बनी हुई है. एंड कार्गो पैंट्स होते हैं दे लाइक वेरी वेरी हैवी एंड इसका फैब्रिक इज सो लाइट, इज सो ब्रीदेबल, इज गुड फॉर एवरी डे वेयर, इट इज़ गुड फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इट इज़ गुड फॉर यू नो वेकेशन वेयर. सो आई रियली लाइक द फैब्रिक. द ओनली डाउन साइड अबाउट दिस प्रोडक्ट इज, डाउन साइड भी क्या बोलूँ, जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो था इसका वेस्ट का राइज. सो आई थॉट कि ये हाई हाई वेस्ट होगा बट ये थोड़ा सा मिड वेस्ट वाली कैटेगरी में आ रहे हैं. मीन इट जस्ट एंड्स ऑन माई बेली बटन. सो मुझे थोड़ा सा हाई वेस्ट पैंट ज़्यादा पसंद है. बेसिकली मुझे आदत उनकी हो गई है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग हाई वेस्टेड ट्राउजर्स एंड पैंट्स, बट ये थोड़ा सा मिड वेस्ट है बट इट्स वेरी कंफर्टेबल. सो आई एम स्टिल थिंकिंग यू नो कि मैं इसका क्या करूँ, मैं लाइक आई शुड कीप इट और आई शुड नॉट. फैब्रिक वाइज इट्स नाइस, फिट वाइज इट्स नाइस, इट्स जस्ट द वेस्ट वाला पार्ट जो कि मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है. एंड पॉकेट्स पॉकेट्स पॉकेट्स, मटेरियल इज़ वेरी गुड, अगेन दिस कलर, दिस इज सेज ग्रीन कलर का एंड ये सेल में नहीं था. इसका प्राइस है 2299 का. ये भी फ्रेश से मैंने लिया है. इस पूरे हॉल में सब कुछ ग्रीन और वाइट ही है आई थिंक. आई एम लाइक वाइट इज ऑलवेज माई फेवरेट कलर एंड सेज ग्रीन मेरा रिसेंट फेवरेट कलर है. नेक्स्ट आइटम ऑफ द हॉल आप देखोगे आप हिल जाओगे, मैं बताती हूँ क्यों. इज दिस वाइट कलर का जम्पर एंड इसका मटीरियल इज सो सॉफ्ट, आई मीन इज सो सॉफ्ट. आई नो सर्दियाँ नहीं हैं एंड ये मुझे सेल में मिल रहा था इसलिए मैंने उठा लिया. एंड आई नो जब विंटर्स होंगी तो दिस विल बी वेरी एक्सपेंसिव. इसका प्राइस ओरिजिनल जो था वो था 2299 का. तो आई नो जैसी विंटर स्टार्ट होंगी इसका प्राइस विल बी बैक टू 2299 एंड अभी मुझे मिला सिर्फ 809 का, आई मीन लाइक 800 रुपये का.
सो यस, ये स्वेटर एंड ये पहन के बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, मुझे गर्मियों में भी बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब सिंस एसी चल रहा था, मैं ये पहन के आई लाइक आई एम एबल टू सर्वाइव एंड मुझे बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है. एंड आई मैं बस मैं वेट कर रही हूँ फटाफट से सर्दियाँ आए. सर्दियाँ आर लाइक माई फेवरेट फेवरेट सीजन एंड जैसी सर्दियाँ आएंगी मैं फट से पहन लूंगी. दिस विल बी लाइक माई फर्स्ट सर्दियों वाला कपड़ा. आई एम श्योर ये मैं पहला कपड़ा होगा जो सर्दियों में मैं पहनूंगी बिकॉज दिस इज सो सॉफ्ट. दिस इज सो 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 सॉफ्ट. आई मीन लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इन दिस ऑल आई हैव सेड सॉफ्ट बट दिस इज जेन्युइनली वेरी सॉफ्ट. सो यस, फाइनली वाइट और ग्रीन के अलावा एक और कलर का मैंने कुछ मंगवाया है और उससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं. मतलब मेरी बहुत बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इससे. वो है ये वाइड लेग जॉगर पैंट्स एंड H&M के जॉगर्स. दे आर अमेजिंग एंड मेरे पास बहुत सारे H&M के जॉगर्स हैं. बहुत अच्छे कलर्स में आते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल होता है. ऐसे स्किम्पी पतला सा मटेरियल नहीं होता. गुड फॉर समर्स, गुड फॉर विंटर्स, बहुत अमेजिंग होता है. बट एक चीज़ होती है इनमें ना, सब में अंदर में से रुआ रुआ ये मतलब ऐसा कुछ मोटा वाला मटेरियल होता है जो मुझे थोड़ा सा सर्दियों वाला लगता है. दो इसको पहन के गर्मी नहीं लगती है बट कंफर्टेबल लगता है. मतलब इतनी गर्मी नहीं लगती, कंफर्टेबल लगता है. मैं लाइक गुड फॉर लाइक एयरपोर्ट लुक्स एंड गुड फॉर जैसे वेकेशन पे जा रहे हो या घर में बैठे हो या जस्ट वांट टू लाउंज अराउंड एसी में बैठे हो. सो यस, एंड इसका कलर इज दिस डस्टी पिंक कलर एंड ये वाइड लेग जॉगर्स हैं. एंड ऐसे मेरे पास H&M के कभी थे नहीं, हमेशा मेरे पास वो कन्वेंशनल जॉगर जॉगर वाले जॉगर्स थे. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने ये वाले मंगवाए हैं एंड आई कांट वेट टू स्टाइल दिस. आई कांट वेट टू वेयर दिस एंड मुझे बहुत 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 पसंद आए. दिस वॉज माई फेवरेट आइटम ऑफ द होल. आई थिंक ये मैंने ड्रेस के लिए भी बोला था एंड आई थिंक मैंने ये स्वेटर के लिए भी बोला था बट दिस इज माई फेवरेट. मतलब आई मीन मेरे सारे ही फेवरेट है एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग. एंड मेरे को ये बाहर पहन के जाना है एज सून एज पॉसिबल. इट लुक गुड विद यू नो टैंक टॉप. इट लुक गुड विद दैट जो वाइट मैंने अभी टी शर्ट मंगवाई है उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा. वाइट के साथ अच्छा लगेगा, ब्लैक के साथ अच्छा लगेगा एंड वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई कांट वेट टू वेयर दिस. आई कांट वेट टू स्टाइल दिस. मेरा तो मन कर रहा है अभी फ्लाइट पकड़ के कहीं चले जाऊँ. इसको टैंक टॉप के साथ पहन के फ्लाइट पकड़ के कहीं मतलब चले जाऊँ किसी ठंडी जगह पे जहाँ पे ये स्वेटर भी यूज़ हो जाए. मतलब H&M पे तो खर्चा किया ही किया, ये कपड़े पहनने के लिए एक वेकेशन का खर्चा अलग से. वाओ वाओ. सो यस, हाँ, सो दिस इज इन द साइज स्मॉल एंड इसका प्राइस है 1499 का एंड बहुत ही प्यारा मटेरियल है. एंड यस, दैट इज द लास्ट आइटम ऑफ द हॉल. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये हॉल, ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड सारी लिंक्स और सारे प्राइजेस साइजेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. एंड आई मीन लाइक आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. आई एम गोना सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.